देखो क्या यार, इसे बोलते हैं किस्मत खराब होना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। कभी कभार यार समझ ही नहीं आता कि मैं इसके बाद क्या बोलूं। एनीवेज, अब यार देखो मौसम कितना अच्छा हो गया है। सो अभी देख सकते हो पूरे क्लाउड्स हैं हर जगह पे। बस एक चीज़ की कमी है, अभी क्या है कि यार ऐसे क्लाउड्स हो जाते हैं फिर अगेन धूप निकल आती है। अभी बारिश हो जाए यार तो थोड़ी गर्मी कम हो जाएगी, बट बारिश है कि होने का नाम नहीं ले रही है। एनीवेज, वो भी आसमान में क्लाउड्स बहुत सारे हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ टाइम लैप्स ले लेता हूँ। आप लोग टाइम लैप्स देख लो, उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। तो कल जब मैं गोमती नगर से वापस आ रहा था, तो वापस आते टाइम रास्ते में मेरी स्कूटी पंचर हो गई। वहां पे मैंने पंचर बनवा लिया, मैं घर वापस आ गया, मैंने अपनी स्कूटी पार्क कर दी। जब मैंने मॉर्निंग में अपनी स्कूटी दोबारा बाहर निकाली, तब मेरे को पता चला कि मेरी स्कूटी अगेन पंचर हो गई है। अब मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई कि यार मैंने कल पंचर बनवाया था और आज स्कूटी अगेन फिर से पंचर हो गई। तो मैं पंचर वाले की शॉप पे गया, मैंने चेक करवाया, तब मेरे को पता चला मेरी स्कूटी के टायर पे एक साइड पे पंचर हुआ था, वो पंचर लीक कर रहा है। तो पहले ये वाली क्लिप देख लो, उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। तो अभी देख सकते हो ये पंचर हुआ है और इस पर हवा नहीं रुक रही है। यहाँ पे ऑलरेडी अभी दो पंचर बन चुके हैं, तो इसकी वजह से मेरे को पूरा टायर चेंज करवाना पड़ रहा है। और भी इसमें कई सारे अदर पंचर हुए हैं, बट मेन जो है वो यही वाला है, ये पूरा साइड में हो गया था। हाँ, तो जैसे कि आपने देखा कि टायर के साइड में पंचर हुआ था और वहाँ पे हवा नहीं रुक रही थी, तो मेरे को पंचर वाले ने ये सजेस्ट किया कि आप इसका टायर ही चेंज कर दो। ऑल्दो पंचर बन सकता था, अंदर खोल के उसको जुगाड़ से बनाया जा सकता था, बट यार मैंने रिस्क नहीं लिया, क्या फ़ायदा आगे चल के फिर प्रॉब्लम होती। वैसे भी ऑलरेडी टायर में 7-8 पंचर हो चुके थे, तो मैंने भी यार यही डिसाइड किया कि रिस्क लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, पूरा टायर ही चेंज कर देते हैं। तो आज मैं गया था टायर लेने और फाइनली मैंने ये टायर परचेस कर लिया है। सो ये है मिशलिन का सिटी प्रो और अभी मेरे को इसको लगवाने भी जाना है। वैसे भी मेरी अभी बाइक का काफ़ी सारा काम पेंडिंग है, अभी उसके कुछ पार्ट्स बाहर से आने हैं, तो वो भी ख़राब पड़ी है। और ऐसे में स्कूटी का भी मैं टायर चेंज ना करवाता तो मेरे पास कोई भी अदर कन्वेंस ना होता, तो मैंने सोचा यार इस बेटर के स्कूटी का टायर चेंज करवा लेते हैं, क्योंकि अभी बाइक में तो कुछ टाइम लगेगा, जब तक उसके पार्ट्स बाहर से नहीं आएंगे तब तक उसमें काम होना स्टार्ट नहीं होगा। सो राइट नाउ इट्स, अभी टाइम कितना हो रहा है, सो राइट नाउ इट्स 3:40 इन द आफ्टरनून और मैं अपनी स्कूटी का टायर चेंज करवाने 4:30 तक जाऊँगा, क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा धूप हो रही है। गाइस सॉरी फॉर नॉट वेयरिंग हेलमेट, एक्चुअली जस्ट मेरे को बगल में जाना है, बस चौराहे के जस्ट पार में ही पंचर वाला है, तो इसलिए मैंने हेलमेट नहीं पहना है। राइट नाउ इट्स 5:35 इन द इवनिंग और अभी धूप देख सकते हो यार कितनी ज़्यादा है, एंड माय टायर इज़ परफॉर्मिंग एब्सोल्युटली वेल, काफ़ी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है, काफ़ी अच्छी ग्रिप मिल रही है यार। अभी बस एक चीज़ की कमी है मेरी बाइक की, मेरी बाइक भी जल्दी से ठीक हो जाए, उसके सारे पार्ट्स आ जाएँ, सर्विस हो जाए, देन उसका भी मेरे को टायर चेंज कराना है। एंड होपफुली बहुत ही जल्दी आपको ब्लॉग्स में बाइक देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए अभी कैंट एरिया आ रहा है तो मैं यहीं पे बंद करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे शूट अलाउड नहीं है, एंड कैंट एरिया के बाद कंटिन्यू करते हैं। शिट यार, एक प्रॉब्लम हो गई है, मैं अपने कैमरे की बैटरी चेंज करना भूल गया और अभी देख सकते हो सिर्फ एक बैटरी बची है, आई होप दिख रहा होगा आपको। तो आई डोंट नो बैटरी कितनी देर तक चलेगी, देखते हैं कब तक वर्क करती है। क्या है यार, यही होता है जब आप किसी चीज़ के लिए जल्दीबाजी करते हो। मेरे को एक्चुअली जल्दी निकलना था गोमती नगर के लिए और जल्दी जल्दी में मैंने बैटरी चेंज नहीं की। एक्चुअली मैंने इससे पहले वाला जो पार्ट शूट किया था ब्लॉग का, उसकी वजह से बैटरी ख़त्म हो गई थी, मेरे को बैटरी चेंज करना था बट जल्दी जल्दी में मैं भूल गया। क्या कर सकते हैं यार, अब
आई होप गोमती नगर तक तो चल जानी चाहिए, अभी देखते हैं। वैसे मेरे को लगता तो नहीं चलेगी, बट इस पुल पे प्रॉब्लम है, ट्रैफिक बहुत लगता है। अभी देख सकते हो यहीं से पूरा ट्रैफिक लग गया है। ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक, काफ़ी लंबा ट्रैफिक है यार। तो अभी देख सकते हो पूरा आगे तक ट्रैफिक लगा हुआ है। बट यहाँ की एक खास बात यह है कि यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा देर रहता नहीं है। देखो खुल गया और अब तुरंत ही भैया साइड दे दो, भैया साइड दे दो, दे दो साइड दे दो, निकलने दो अपने को भैया भैया। देखो कहाँ मोड़ रहा है, ये देखो सीधे जाना है अपने को। देखो क्या यार, इसे बोलते हैं किस्मत खराब होना। चल रहा है कैमरा? हाँ अभी तो चल रहा है। और एक और चीज़, मैं घई घई में अपने ग्लव्स भी लाना भूल गया। आज मेरे को ग्लव्स टेस्ट करने थे क्योंकि आज मैं गोमती नगर तक आया था कुछ अपने वर्क से, बट जल्दी जल्दी मैं ग्लव्स भी भूल गया। इसलिए मेरा जितने भी इक्विपमेंट्स रहते हैं, जितना भी मेरा सामान रहता है, वो सब बैग में रहता है। तो आज मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं बैग नहीं लाऊँगा, तो इसी की वजह से सारी चीज़ें मैं भूल गया। क्या यार, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इस चौराहे पे इतनी जल्दी सिग्नल हुआ है। अदरवाइज़ यहाँ पे काफ़ी टाइम लगता है सिग्नल खुलने में। अभी देख सकते हो मेरे राइट साइड पे पूरा ट्रैफिक लगा हुआ है, और ये देखो आगे फिर से ट्रैफिक। ओहो काफ़ी लंबा चौड़ा ट्रैफिक है यार, यही प्रॉब्लम है बस ट्रैफिक की, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ट्रैफिक ही है जो थोड़ा सा परेशान करता है, बाकी तो सब चलता है यार। तो अपने को जाना है लेफ्ट साइड पे, कहाँ पे, इधर पे, एंड फाइनली इधर वाला भी अभी तो नहीं खुला। अभी भी कैमरा चल रहा है यार, काफ़ी साथ दे रहा है। मैंने सोचा नहीं था एक बैटरी पे भी इतना चल जाएगा। देखते हैं कब तक साथ देता है। मैंने सोचा था अच्छा अच्छा म्यूज़िक डालूँगा ब्लॉग में, बट यार म्यूज़िक तो डालने को मिला ही नहीं, ट्रैफिक ही ट्रैफिक मिल रहा है, कहीं खाली रोड नहीं मिल रही है। और दूसरी चीज़ बैटरी भी नहीं है, क्या पता कब मेरा कैमरा ऑफ हो जाए। हाँ तो कैमरे ने यहाँ तक तो साथ दे दिया, बट आई डोंट थिंक कि आगे साथ देगा। तो इसलिए अभी ऐसा करते हैं कि अभी मैं यहीं पे वीडियो क्लोज़ करता हूँ, एंड देन घर पहुँच के फिर कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि अभी मेरे कैमरे में बैटरी तो है नहीं, तो कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे कुछ शूट हो नहीं पाएगा। सो आई विल सी यू वंस आई रीच होम। बैक टू होम गाइस, ये पार्ट मैं नेक्स्ट डे शूट कर रहा हूँ, कल इसलिए घर आते आते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, इसलिए मैं वीडियो एंड नहीं कर पाया। एनीवेज सो अब कुछ बात कर लेते हैं। तो कल अराउंड रात के 10 बजे के आसपास मेरे फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा उन सभी लोग को जिन लोग ने
मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरे वीडियो को शेयर किया, कमेंट किया। बस यार आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, प्यार देते रहो, मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूँगा। और आप मेरे को सजेस्ट भी कर सकते हो कोई भी टॉपिक, या फिर आप कोई टॉपिक चाहते हो कि मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को बता दो, मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूंगा। एंड वंस अगेन यार थैंक यू, बस इसी तरीके से सपोर्ट करते रहो, प्यार करते रहो। बस यही एक चीज़ थी जो मेरे को लास्ट में बोलनी थी। अब मैं ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। आई नो इस ब्लॉग में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बट नेक्स्ट टाइम से आपको प्रॉपर और अच्छे ब्लॉग्स मिलेंगे। तो बस मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूंगा तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो कर लो, क्योंकि कई सारी ऐसी अपडेट्स हैं जो कि मैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही देता हूँ, तो इंस्टाग्राम पर भी मेरे को फॉलो कर लो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। सी यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज बी हैप्पी, बी ब्राइट, बी यू, बाय बाय। एंड वंस अगेन वेरी वेरी थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गाइस, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, बस ऐसे ही प्यार करते रहो। बाय बाय।